जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हिंदी साहित्य की निरंतर अपनी सीरीज चल रही है जिसमें ट्रिक के माध्यम से हम बहुत सारे प्रश्नों का, रचनाओं को याद करने का प्रयास करते हैं। सुबह रोज 9:30 बजे 9:30 पर आपको हिंदी साहित्य का ट्रिकी वीडियो मिलता है, तो देखना ना भूलें। सभी लोग देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, JRF, PGT, RPSC या फिर जहां पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है, पंजाब मास्टर कार्ड, उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है आज का कि कामायनी की रचनाकार कौन है, अब आपको बताना है। 4 सेकंड आपको दिए जाते हैं, कामायनी की रचनाकार आपको बताना है। तब तक मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप किसी भी प्रकार की कामना करने कहां जाते हो, कहां जाते हो कामना करने? शंकर जी के पास जाते हो, बोलते हो भगवान मेरी कामना, मेरी मनोकामना क्या कर देना, पूर्ण कर देना, मुझे एग्जाम पास करवा देना, कामना करने जाते हो ना। तो कामना से होगा कामायनी, और कामना करने जाते हो शंकर जी के पास तो कामायनी जो महाकाव्य होगा वो किसका होगा, किसका होगा? जयशंकर प्रसाद, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, आपको पता है, ठीक है, याद रख लेना, है ना। और दोस्तों ये जो कामायनी है ये इनका महाकाव्य है, और इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 15 सर्ग माने जाते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखना है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास किसकी रचना है? दोस्तों अभी तक आपने नाम सुना होगा तुलसीदास, है ना, कभी सुन लिया आपने कभी का नाम, लेकिन अब रचना का नाम भी तुलसीदास, क्या बात है। तो जल्दी से आपको बताना है ये रचना किसकी है। और आपको पता है दोस्तों कि जो तुलसीदास कवि हुए हैं वो क्या थे? हिंदी साहित्य में सूर्य के समान थे, क्योंकि इन्होंने ऐसा महाकाव्य दिया है जिसने पूरे हिंदी साहित्य को क्या कर दिया, भक्तिमय बना दिया, है ना। भक्ति काल को तो स्वर्ण युग कहलवा ही दिया है। और जो तुलसीदास हैं वो क्या थे? सूर्य के समान थे। तो तुलसीदास रचना किसकी होगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है, निराला की होगी, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला बताना है दोस्तों, नीला चांद किसकी रचना है? नीला चांद किसकी रचना है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि शंकर जी जो होते हैं, शिव जी जो होते हैं, उनके सिर पर यहां पर देखो क्या है, चांद है, चांद, और चांद कैसा है? नीला चांद। किसके किसके मस्तिष्क पर है? शिव के। तो नीला चांद रचना किसकी होगी, किसकी होगी? शिव प्रसाद सिंह, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी भी आपसे पूछा जाएगा आप कभी नहीं बोलेंगे नीला चांद किसकी रचना, आपसे पूछा जाएगा बोले नीला चांद तो शिव जी के मस्तिष्क पर, यानी कि शिव प्रसाद से है, ठीक है। अगला बताना है, राग दरबारी की रचनाकार कौन है? राग दरबारी, जी हाँ दोस्तों, राग दरबारी बताना है। आप क्या बोलते हो कि दरबार में तो मेरा लाल बैठा है, दरबार में मेरा लाल बैठा है, तो राग दरबारी किसकी रचना होगी? श्री लाल की होगी कि रामचंद्र शुक्ल की होगी? आपने देख लिया ना कि दरबार में कौन बैठा है, लाल बैठा है, तो श्री लाल शुक्ल,
यानी कि जो आपका विकल्प नंबर एक है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एक नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रिय प्रवास की रचनाकार कौन है। आप अपना टेस्ट भी करते जाएं और ट्रिक से याद भी होता जाएगा। अब एक चीज बताना दोस्तों कि आपको सबसे प्रिय क्या है, क्या है प्रिय? अयोध्या। अयोध्या आपके लिए बहुत सबसे प्रिय है क्योंकि राम की जन्मभूमि है, अयोध्या आपके लिए प्रिय है। ठीक है कि नहीं है, कमेंट में बता देना। सभी को प्रिय है तो प्रिय प्रवास किसकी होगी? अयोध्या से उपाध्याय हरियोध की। ठीक है, तो याद रख लेना प्रिय क्या है, अयोध्या। तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है ना, प्रिय प्रवास और अयोध्या से उपाध्याय हरियोध का है, और हरियोध द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, कितनी नाव में कितनी बार की रचनाकार कौन है, कितनी नाव में कितनी बार। अब आपसे कहा जाए कि आप कितनी नाव में कितनी बार बैठे, तो बोले सर अज्ञे, पता नहीं मुझे बहुत बार बैठे। अज्ञे है, क्या है? अज्ञे है, अज्ञात है ना। तो कितनी नाव में कितनी बार? अज्ञे। कितनी नाव में कितनी बार? अज्ञे। तो विकल्प नंबर जो आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रयोगवाद के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं दोस्तों अज्ञे जी। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आपको अशोक के फूल किसकी रचना है। चार विकल्प हैं, अशोक के फूल बताना है, और मैं आपको बता दूं कि दो सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन कर लेना। और जो अशोक के फूल है दोस्तों, चित्र में भी आप देख रहे हैं कि अशोक एक फूल फूलेगा कि हजार, अशोक में कितने फूल होंगे, एक फूल होगा कि हजार फूल होंगे। तो आपने सही बताया कि सर हजार फूल होंगे, तो अशोक के फूल रचना किसकी हो जाएगी, किसकी होगी? हजार फूल होंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला बताना है दोस्तों, जूही की कली रचनाकार कौन है। जूही की कली के रचनाकार, ये दोस्तों प्रथम छंद मुक्त रचना मानी जाती है। ठीक है, और जब जूही की कली है, जूही की कली है, तो ये कली कैसी होगी? निराली ही होगी, है ना, निराली ही कली होगी। छंद मुक्त रचना है और ये जूही की कली निराला जी की रचना, क्योंकि ये कली कैसी है? निराली, तो निराला जी की रचना है। आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये क्रांतिकारी कवि कहे जाते हैं दोस्तों, छायावाद के चार आधार स्तंभों में प्रमुख स्थान रखते हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास इनकी रचना हम पढ़ चुके हैं पहले। नदी के दीप रचना किसकी बताना है दोस्तों, हमने पढ़ा था पहले कि कितनी नाव में कितनी बार, आपने बताया सर अज्ञे। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि नदी में कितने दीप होते हैं, नदी में कितने दीप होंगे, तब भी आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता, अज्ञे, है ना, अज्ञे। तो नदी के दीप रचना किसकी होगी? अज्ञे। ठीक है, अज्ञे याद रखना। आ अज्ञे को सिर्फ अज्ञे से करना है, ज्ञात नहीं, है ना। एक आती है इनकी रचना कोठरी की बात, कोठरी की बात अज्ञे, तो नदी के दीप अज्ञे, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है माटी की मूर्तें किसकी रचना है दोस्तों। माटी की मूर्तें, आपने देखा होगा दोस्तों कि वृक्षों के नीचे माटी की मूर्तें रखी रहती हैं, उसकी हम पूजन करते हैं, रखी रहती कि नहीं, वृक्ष के नीचे माटी की मूर्तें रखी हैं, उसकी पूजन करते हैं। तो माटी की मूर्तें जो रचना है वो किसकी हो जाएगी, किसकी होगी? वृक्ष के नीचे रखी हैं, तो राम वृक्ष बैनीपुरी, यानी कि जो आपका आ नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, आ नंबर। ठीक है, वृक्ष के नीचे माटी की मूर्तें रखी हैं, तो माटी की मूर्तें राम वृक्ष बैनीपुरी। निशा निमंत्रण की रचनाकार कौन है दोस्तों, निशा निमंत्रण बताना है। चार विकल्प हैं और चार का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताना। निशा मतलब आपकी होती है क्या, रात्रि शाम के समय आप क्या करोगे, क्या करोगे, बच्चों का निमंत्रण आपको करना है, बच्चन का निमंत्रण कर लो, बोले शाम के समय निशा के समय बच्चन का निमंत्रण कर लो, बच्चों का निमंत्रण कर लो। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन होंगे, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, यानी कि जो एक नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आ नंबर। नेक्स्ट बताना है दोस्तों, गुनाहों का देवता किसकी रचना है। गुनाहों का देवता, यानी कि गुनाहों का देवता, इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए कि वो क्या बन गया, गुनाहों का देवता बन गया। अब जब देवता बन गया दोस्तों, तो वो काय की शरण में आएगा,
काय की शरण में आएगा? जब आदमी बहुत सारे गुनाह कर लेता है तो फिर बोलता है यार कि अब तो धर्म की शरण में जाएं। धर्म की शरण में जाया जाए तो गुनाहों का देवता की रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? धर्मवीर भारती, यानी कि जो एक नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आ नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सखाराम बाइंडर, सखाराम बाइंडर की रचयिता कौन है? सखाराम बाइंडर, और चार विकल्प हैं, 2 सेकंड में आप अपना उत्तर बताएंगे। और दोस्तों आपको पता है कि जो तेंदुलकर साहब थे, सचिन तेंदुलकर साहब थे, जब तक वो खेलते थे क्रिकेट टीम में, अपने सारे सभी साथियों को बिल्कुल सखा की तरह रहते थे। कैसे रहते थे? सखा की तरह रखते थे। कौन? तेंदुलकर। तेंदुलकर रखते थे किसको? सभी टीम के खिलाड़ियों को सखा की तरह। तो सखाराम बाइंडर किसकी होगी? विजय तेंदुलकर, क्योंकि तेंदुलकर रखते थे सखा की तरह, है ना। इस प्रकार से याद कर लेंगे, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आ नंबर। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों, आपका बंटी की रचयिता कौन है? आपका बंटी, आपका बंटी कहाँ गया है? भंडारे में गया है। आपका बंटी कहाँ गया है? भंडारे में गया है। तो आपका बंटी की रचयिता कौन होंगे? कौन होंगे? मन्नू भंडारी। कौन होंगे? मन्नू भंडारी। आपका बंटी भंडारे में गया है तो मन्नू भंडारी, यानी कि जो आपका आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मन्नू भंडारी। आपका बंटी इनकी रचना है। संस्कृति के चार अध्याय की रचयिता कौन है? संस्कृति के चार अध्याय, दोस्तों एक चीज बताना, संस्कृति के चार अध्याय या फिर संस्कृत के चार अध्याय, और संस्कृत के चार अध्याय हमें रात में नहीं पढ़ना है। कब पढ़ना है? दिन में पढ़ना है। संस्कृत के चार अध्याय दिन में पढ़ना है, तो ये रचना किसकी हो जाएगी? दिन से दिनकर, है ना, रामधारी से है दिनकर, क्योंकि संस्कृति के चार अध्याय हमें दिन में पढ़ना है तो दिनकर साहब। ठीक है दोस्तों, अगला बताना है राग गोविंद की रचनाकार कौन है? एक रचना आती है दोस्तों गीत गोविंद, एक आती है राग गोविंद। तो याद रख लेना, गीत गोविंद के किसने गाए हैं? जयदेव ने। और सबसे ज्यादा राग किसी को था गोविंद से? कृष्ण थे। तो वो किसको था? मीराबाई को। किसको था? राग था किसको? मीराबाई को। ये यहाँ कंफ्यूज होते हैं सभी लोग, है ना, राग था मीराबाई को, है ना, और गीत गाए हैं किसने? जयदेव ने। तो जयदेव की कौन सी थी? गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव की थी, और राग गोविंद जो रचना है वो मीराबाई की है। ठीक है, तो याद रख लेना, क्योंकि मीराबाई को राग था कृष्ण से सबसे ज्यादा, तो राग याद रख लेना, राग से मीराबाई। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों, सेवा सदन की रचयिता कौन है? सेवा सदन। अब एक चीज बताना दोस्तों, आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसी की सेवा करोगे, है ना कि नहीं करोगे? आप जिससे प्रेम करते हो सेवा भी उसी से करोगे, सेवा भी उसी की करोगे, चाहे आपके मम्मी से प्रेम करते हो, पापा से करते हो, समाज में जिससे भी आप करते हो उसकी आप सेवा जरूर करोगे। क्या करोगे? सेवा करोगे। तो ये सेवा सदन उपन्यास है, सेवा सदन, कर्म भूमि, गबन गोदान, है ना, निर्मला, ये सारी की सारी रचनाएं है ना किसकी हैं? प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं, इनको याद रखेंगे। प्रेमचंद जी आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको बताना है सबा सिर गेहूं कहानी किसकी है? सबा सिर गेहूं, दोस्तों अगर आप किसी से प्रेम से मांगोगे, प्रेम से मांगोगे कि सबा सिर गेहूं दे दो, तो आपको सबा सिर गेहूं मिल जाएंगे। लड़कर झगड़कर मांगोगे तो सबा सिर गेहूं नहीं मिलेंगे, इसलिए प्रेम से मांगना कि सबा सिर गेहूं दे दो तो मिल जाएंगे। तो सवा शेर गेहूं का कैसे मांगना है? प्रेम से मांगना है। तो सवा शेर गेहूं कहानी किसकी होगी? प्रेमचंद, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेमचंद जी की हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास ये किसकी रचना है? हमने पढ़ा था दोस्तों कि श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल की जो रचना थी वो कौन थी? राग दरबारी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की थी। अब वैदेही वनवास तो किसको हुआ था? वनवास अयोध्या के राजा राम को क्या हुआ था? वनवास हुआ था। तो वैदेही वनवास किसकी रचना होगी? अब वनवास तो आ रहा है, सीधा सीधा है कि वनवास हुआ था अयोध्या के राजा राम को, तो वैदेही वनवास किसकी रचना होगी? अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि है दोस्तों प्रिय प्रवास,
इनका एक महाकाव्य है, वो भी खड़ी बोली का है और हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास हरिओद जी का। याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी जी का द्विवेदी युग का नाम पड़ा था, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, भीष्म साहिनी की एक रचना है दोस्तों तमस, तमस याद रख लेना, भीष्म साहिनी की एक रचना तमस है। सुमित्रा नंदन पंत इनकी अगर बात करें दोस्तों, ये छायावाद के आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला बताना है चित्रलेखा किसकी रचना है, चित्रलेखा जल्दी से बताना है दोस्तों। जब आप पढ़ाई करते हो और आप पुस्तक लेते हो, आप रजिस्टर लेते हो, नोट्स बनाते हो, तो सबसे पहले पृष्ठ पर किसका चित्र होना चाहिए, भगवती का। किसका, भगवती का। बोले हमने चित्र का लेखा किया है पहले पृष्ठ पर, तो किसका होना चाहिए, भगवती का। तो चित्रलेखा रचना किसकी हो जाएगी, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, क्योंकि चित्र होना चाहिए भगवती का, तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। और विकल्प नंबर जो आ है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें याद करना है दोस्तों, है ना। हमें रचनाएं याद नहीं होती, मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं सर रचनाएं याद नहीं होती हैं, अब कमेंट में बता देना कि सर आज तो रचनाएं याद हो गई हैं। इसी प्रकार से पूरी रचनाएं याद करवाएंगे, पूरी रचनाएं जैसी भी ट्रिक निकलेगी रचनाएं आपको याद करवाएंगे। चिंता करने की बात नहीं है, चैलेंज स्वीकार करो, चैलेंज प्रश्न स्वीकार करना है। उसने कहा था किसकी रचना है, अब दोस्तों उसने कहा था ये बहुत सारी हैं, तीन रचनाएं हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में मात्र तीन रचनाओं की रचना करके कौन सा कवि अमर हो गया हिंदी साहित्य में, प्रसिद्ध हो गया हिंदी साहित्य में, वो तीन रचनाओं के नाम भी बताना है आपको, उस कवि का नाम भी बताना है, उसने कहा था ये रचना किसकी है ये भी आपको बताना है। तो चैलेंज सभी लोगों को स्वीकार करना है और उत्तर बताना है और कमेंट में बताना है कि सर फनी ट्रिक में मज़ा आ गया। ये तो दोस्तों कुछ नहीं है, कुछ लोग जरूर सोचते होंगे कि ये सरल हैं, कठिन से कठिन भी आपकी आएंगी, है ना। शुरुआत में सरल ही आती हैं, अब शुरुआत है तो कठिन भी आएंगी, सारी की सारी रचनाएं आएंगी। ये सीरीज निरंतर चलेगी आपकी ट्रिक की वीडियो की। तो आपको नेक्स्ट पिछले वीडियो का आपका प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य मैं आपको बता देता हूँ, है ना, क्योंकि पिछले चैलेंज में मैंने आपसे पूछा था और पृथ्वीराज रासो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों, और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो पृथ्वीराज रासो के जो कवि हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, चंद्र बरदाई, इसलिए चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि भी माना जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसी प्रकार से सारी की सारी चीज़ें पंक्तियाँ भी आपको याद करवाएंगे, है ना, आपको क्रमबद्ध कभी भी याद करवाएंगे, चिंता ना करें, आपको पंक्तियां याद करवाएंगे, आपको पात्र याद करवाएंगे, सब कुछ याद करवाएंगे, याद होंगी फनी ट्रिक से होंगी दोस्तों। सिर्फ बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना, ग्रुप से जुड़ना है तो 9098906092 91, ये हिंदी साहित्य का ग्रुप के लिए आपको नंबर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप से तो आपको जुड़ना ही है, टेलीग्राम में आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, वीडियो को सभी लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करना है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताया करो। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और सबसे अच्छी ट्रिक आपको कौन सी लगी ये भी आपको बताना है। जय हिंद। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना, तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको OTP आएगा, तो आप रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ेंगे।